स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं आज आपका स्टैंडर्ड फर्स्ट का जीके लेने वाली हूँ, जिसके चैप्टर का नाम है ग्रीन वर्ल्ड। अ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स, रीअरेंज द लेटर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू नेम द पार्ट्स स्नो। यानी कि यहाँ पर हमें ये प्लांट दिया गया है, यहाँ पर हमें ये ब्लैंक दी गई है, तो इसमें हमें जो सही यह जो वर्ड दिए है उसको रीअरेंज करना है, यानी कि इसको लाइन में अरेंज करके यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक मेक फूड फॉर द प्लांट। तो यहाँ पर क्या आएगा, लीव्स, इसको अरेंज करना है, ये जो हमें लेटर्स दिए उसको यहाँ पे अरेंज करना है। तो यहाँ पे आएगा लीव्स, लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। यहाँ पे आएगा लीव्स, LEAVES, लीव्स। सेकंड है ब्लैंक ब्लूम इनटू, तो यहाँ पर आएगा बर्ड्स ब्लूम इनटू फ्लावर्स, तो यहाँ पर आएगा BUDS, बर्ड्स। यहाँ पर आएगा बूट्स ब्लू इनटू फ्लावर्स। थर्ड है ब्लैंक कैरी ब्लैंक इनसाइड देम, तो यहाँ पे आएगा फ्रूट्स एंड सीड्स। यहाँ फ्रूट के जो लेटर है उसको अरेंज करके यहाँ पे लिखना है फ्रूट, FRUITS, फ्रूट्स। और यहाँ पे सीड्स, SEEDS। फर्स्ट ब्लैंक में आएगा फ्रूट्स और सेकंड में आएगा सीड्स। फोर्थ द ब्लैंक होल्ड द प्लांट फर्मली अबोव द गार्डन, तो यहाँ आएगा स्टीम, STEM, स्टीम, STEM, स्टीम। ये स्टीम, इसको स्टीम कहते हैं, इसको बर्ड्स और फ्लावर कहते हैं। फिर इसको लीव्स कहते हैं, इसको फ्रूट्स कहते हैं, और सीड्स, इसके अंदर होते हैं ना बीज, उसे सीड्स कहते हैं। अब आता है ब्लैंक होल्ड द प्लांट फर्मली बिलो द गार्डन, तो यहाँ पे आएगा रूट्स। ये प्लांट है वो ग्रो कहाँ करता है, ग्रो कैसे, रूट्स से, तो यहाँ पर आएगा रूट्स, ROOTS, रूट्स, तो यहाँ पर आएगा रूट्स। तो स्टूडेंट्स, ये दिख रहा है, ये है प्लांट, तो जो लीव्स है वो प्लांट में फूड मेक, मतलब कि ये जो लीव्स है वो प्लांट में फूड बनाते हैं, ये लीव्स। फिर आता है बर्ड्स एंड फ्लावर्स, ये जो ट्री है उसमें ये जो बर्ड्स है और ये फ्लावर्स है, उसमें से बर्ड्स और फ्लावर्स में से फ्रूट आता है, फ्रूट बनता है, फ्लावर्स आते हैं उसके बाद फ्रूट बनता है, उसके अंदर सीड्स यानी उसके अंदर बीज होते हैं। और स्टीम, ये लकड़ी होती है, टहनी। और ये जो पौधा होता है वो उसके जो जड़ होती है वो ज़मीन के नीचे होते हैं, उसे रूट्स कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है द लोटस प्लांट ग्रोज इन पॉन्ड, इट हैज़ बिग फ्लावर एंड लीव्स। यानी कि ये जो लोटस है वो एक तालाब में उगता है और उसके जो पत्ते होते हैं वो बड़े होते हैं और फ्लावर्स भी बड़ा होता है। जो लोटस है वो तालाब में उगता है। और यहाँ पर दिया गया है द कैक्टस प्लांट नीड्स वेरी लिटल वाटर, इट कैन ग्रो इन ड्राई प्लेस सच एज अ डेजर्ट। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो कैक्टस, वो उसे पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, वो कम पानी में उगता है, उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और वो है रेगिस्तान, रेगिस्तान जहाँ जहाँ होता है वहाँ पर ये जो प्लांट है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
सूक्ष्म स्थानों में, रेगिस्तान वाले स्थानों में ये प्लांट ज़्यादा होते हैं। इसको कैक्टस बोलते हैं। द फायर ट्री ग्रोज इन कोल्ड प्लेस। इट वॉज निडल लाइक लीव्स। इट वॉज कॉन्स विच प्रोडक्ट सीड्स। ये जो है वो देवदार का पेड़ है जो ठंडे स्थानों में बढ़ता है। जहाँ ठंडे स्थान होते हैं वहाँ पे ये जो देवदार का पेड़ होता है इसकी इसमें सुई जैसी पत्तियाँ होती है, इसमें सुई जैसी पत्तियाँ होती है और इसमें बीज भी होते हैं। यहाँ पर इसके बीज भी दिए गए हैं कॉन्स, और ये है वो ठंडे स्थानों में होता है। थैंक यू।